प्रेज द लॉर्ड। हाल ही में हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को बहुत ही आनंद के साथ मनाया है और अभी अगले रविवार हम नए साल को मनाने वाले हैं और इन दिनों में हम अपने 2022 साल का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमने इस साल किया और अगले साल हम क्या करने वाले हैं, इसका संकल्प हम करेंगे। आज जो मैं आपके साथ बातें करने वाला हूँ वो है अगले साल के बाइबल पढ़ने की योजना के बारे में। अगले साल आप पवित्र शास्त्र पढ़ने की कौन सी योजना बना रहे हो? सोचिए, पिछले साल 2021 के अंतिम कुछ दिनों में आपने अनेक संकल्प किए होंगे। इस साल मैं बाइबल 6 महीने में एक बार पढ़ूंगा, साल में 2 बार पढ़ूंगा या साल में 1 बार पढ़ूंगा, मैं नियमित बाइबल पढ़ूंगा, मैं नियमित पवित्र शास्त्र का अध्ययन करूंगा, चर्च में जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा। लेकिन आज आप सोचिए कि आप उन सभी वादों पर जो आपने अपने आप से किए होंगे, परमेश्वर से किए होंगे, अपने रिश्तेदारों से किए होंगे, अपने पास्टर से किए होंगे, क्या आपने उन्हें पूर्ण रीति से निभाया है? क्या आप उस पर खड़े उतरे? और यदि नहीं उतरे, ये समय है कि आप अपने आप का अवलोकन करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे और जो परमेश्वर आपको नया साल देने वाला है 2023, उसमें एक दृढ़ संकल्प करें। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे सहायता करे। अरे जी, मसीह जीवन के अंदर बाइबल पढ़ने का अनन्य साधारण महत्व है और हर एक मसीह को बाइबल पढ़ने के लिए समर्पित होना ही चाहिए। और इसीलिए ये जो वीडियो है मैंने बनाया है ताकि आप बाइबल पढ़ने के लिए उत्साहित हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन है, वो जीवन की रोटी है। जिस प्रकार से साल भर हमने अनेक पदार्थों का आनंद उठाया होगा, अनेक नए पदार्थ आपने चखे होंगे, ये आपके आध्यात्मिक जीवन को आपने भूखा ही रख छोड़ा होगा। लेकिन आने वाले साल में ऐसा नहीं होना चाहिए, कि यदि आप पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हो तो आपका आध्यात्मिक जीवन कमजोर होता है। यदि शरीर कमजोर पड़ जाए तो बीमारी से लड़ नहीं सकता, हम काम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, हम जल्दी थक जाएंगे और इसीलिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। वैसे ही शैतान से लड़ने के लिए, चुनौतियों से लड़ने के लिए, आध्यात्मिक सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता होती है और वो भोजन केवल पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा ही हमें मिलता है और इसलिए पवित्र शास्त्र पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एक सर्वे है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। भारत में एक व्यक्ति औसतन 2 घंटे 36 मिनट जो है इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे बिताता है। लगभग एक व्यक्ति भारत में 5 घंटे 16 मिनट इंटरनेट पे या टीवी पर वीडियोस को देखता है। ये गंभीर बात है और इसमें अनेक मसीह लोग भी शामिल हो गए। और एक सर्वेक्षण के अनुसार, एक अनुभव के अनुसार, यदि एक व्यक्ति दिन में 6 मिनट बाइबल पढ़े तो वह 2 साल में एक बार पूरा बाइबल पढ़ के खत्म कर सकता है। वही व्यक्ति यदि 12 मिनट दिन में बाइबल पढ़े तो 1 साल में वो पूरा बाइबल पढ़ सकता है। 25 मिनट यदि वो रोज बाइबल पढ़ता है तो 6 महीने में वो पूरा बाइबल खत्म करेगा पढ़कर, और साल में 2 बार वो बाइबल पढ़ लेगा। और यदि वो 50 मिनट बाइबल पढ़ता है तो 3 महीने में 1 बार और साल में 4 बार पूरा बाइबल पढ़ेगा। और यदि एक व्यक्ति 2.5 घंटे 2 घंटा 29 मिनट बाइबल पढ़ेगा तो महीने में 1 बार वो पूरा बाइबल पढ़कर ख़त्म करेगा। और आज ही आपको 2023 साल के लिए निर्णय लेना होगा कि आप अगले साल कितना समय
बाइबल पढ़ने के लिए और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यक्तिगत स्तर पर देने वाले हों, क्योंकि आपका व्यक्तिगत रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा आप समर्पित हो, आप प्रार्थना करें और प्रभु को समय दें। प्रभु आप सबको आशीष करें।